न्यूज चैनल से रिपोर्टर आर के सिंह। मैं अभी बदरपुर विधानसभा शिवपुरी कॉलोनी में स्थित अरुण राय के निवास पे आया हुआ हूँ। इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया उसमें कहाँ तक सत्यता है। पहले तो ठाकुर साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, सबको दीपावली और छठ पूजा की और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सबको बधाई है। आप ये बताएं कि आप दोनों क्या कुछ इस विधानसभा में करते हैं, और एक पॉलिटिकल आदमी का भी बिना नाम बताए उन्होंने कहा था कि इनके छत्र छाया में ये लोग ये सब काम करते हैं। सिंह साहब, अभी जो आरोप आपके चैनल पर पीछे लगाया गया था अभी दो दिन पहले, फिर किसी और चैनल पर श्री महेश अवाना जी ने वही आरोप हमारा नाम लेकर के उन्होंने लगाया। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र में उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे कि आपके चैनल पे उन्होंने लगाया था, वैसे ही दूसरे चैनल पे भी इन्होंने लगाया। ये महेश अवाना जी का चरित्र है, आरोप लगाने में माहिर है, उनका आरोप लगाना काम है, और जितने भी आरोप वो लगाए हैं वो सिद्ध कर दें। अगर मैंने और मेरे मित्र ने सीएल यादव ने, उन्होंने दूसरे चैनल पे, हम दोनों का नाम भी लिया है, आपके चैनल पे तो उन्होंने नाम नहीं लिया, तो हमारे मित्र सीएल यादव पर और हम पे जो उन्होंने आरोप लगाया कि ये क्षेत्र में उगाही करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, ये उस चीज़ को एक आदमी मेरे पास लेके आए। मैंने अगर किसी से पैसे लिए हों कि मैंने किसी से उगाही कर ली, किसी को धमका दिया हो, उसमें से इस क्षेत्र बहुत बड़ा है, दो आदमी मिल जाएंगे इनको, एक आदमी मिल जाएंगे, ला करके वो सिद्ध कर दें, यहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा, वो आरोप लगाते हैं इन पे इतने मुकदमे दर्ज हैं, ये क्षेत्र में ऐसे घूमते हैं वैसे घूमते हैं, इन पे मुकदमे दर्ज हैं, लोग इनसे डरते हैं। मैं लोगों की सेवा करता हूँ ठाकुर साहब। सिंह साहब, सुबह उठता हूँ मैं जो है, अभी इन्होंने नाम नेताजी का भी नहीं लेते हैं, अरे जिस नेता का ये नाम न लेकर के ये आरोप लगाया इन्होंने आपके चैनल पे, अगर उनकी जगह पे और कोई होता तो सुबह शाम उस आदमी का दर्शन करना चाहिए जाके, कि उस आदमी ने उनको, इनको उस लायक बनाया, इनके लिए सुबह 6 बजे उठ के घर से निकल के इनके लिए दर दर जा करके सबके घरों पे वोट मांगा उन्होंने, और वोट मांग के इनको उस लायक बनाया जिस लायक थे नहीं, और ये आरोप लगाते हैं, ये आरोप लगाएंगे हम पे कि इस पे मुकदमा दर्ज है। इन पे मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पे इन्होंने नाम नहीं लिया, दूसरे चैनल पे इन्होंने खूब नाम लेके खूब कहा, खूब वीडियो ये जारी कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ लिखित शिकायत किया इन्होंने ठाकुर साहब, और उन्होंने 8-10 कंप्लेनें की है मेरी कि इन्होंने धमकी दिया हमें, जबकि मैं इनसे फ़ोन पर बात नहीं करता, तो मैं धमकी कहाँ से दूंगा। श्री महेश अवाना जी ने उसमें ये भी लिखा कि ये उगाही करते हैं, जब पुलिस ने पूछा इसको सिद्ध कर दो, वहाँ ये फेल हो गए। भाई हमने, सिंह साहब, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो यहाँ पे कोई भी तो एकाध पीड़ित तो आएगा कि जी हमें पीड़ा पहुँचाया इन्होंने, हमसे कर लिया, इन पे वो भी वहाँ भी निराधार जो भी था नहीं कुछ हुआ। अरुण राय जी, आप ये बताएं, इन्होंने हमारे चैनल पे ये भी कहा था कि मोदी जी हों, जेपी नड्डा जी हों, या प्रदेश के बड़े नेता हों, सभी के पास मैं जाऊंगा और हकीकत से वाकिफ कराऊंगा, तो क्या ये आपके अगेंस्ट जाएंगे या क्षेत्रीय विधायक के अगेंस्ट जाएंगे? आप इन बातों को भी साफ करें। देखिए जी, ये प्रजातंत्र है, और पूर्व में उनकी धर्मपत्नी बीजेपी से पार्षद भी रही हैं, और वो बहुत अच्छी हैं, देखिए व्यवहार कुशल हैं वो, उनकी धर्मपत्नी, और ये जितना मक्कार हैं उतने ही वो व्यवहार कुशल हैं, ये जितने झूठे हैं उतने ही वो सच्ची हैं। मैं बता दूंगा आपको, हम मिले हैं और इनको आज़ादी है, ये उस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, जाना चाहिए इनको, बताना चाहिए,
उन्होंने ये कहा था कि अरुण राय जी जब विधायक जी चलते हैं तो सायरन और क्या क्या स्टेज पे आप होते हैं, ऑफिस पे होते हैं, तो ये आप बताएं कि आपसे व्यक्तिगत जो भी कुछ है या राजनीतिक प्रतिद्वंदी है यहाँ के विधायक जी से, विधायक जी का नाम उन्होंने नहीं लिया था लेकिन विधायक कहा था, तो विधायक तो एक ही होता है, इन बातों को भी आप साफ करें। सिंह साहब, ये अगर आपके चैनल पे ये सब बातें बोली, हमने सुना भी है, ऐसा नहीं है, हमने पूरी वीडियो सुनी है इनकी और दूसरे चैनल पे भी ये बोले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधायक जी से मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि, क्योंकि मीटिंगों में आते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं उद्घाटन होता है, कहीं जैसे अभी मीठापुर चौक पे प्रोग्राम था वहाँ भी थे, ये तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, पार्टी में है। अब इनके अंदरूनी क्या है क्या नहीं है, एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है उसके चक्कर में नाराज हों। वाक्य ये है कि कुछ महीनों पहले मीठापुर चौक पर, मैं जाति से भूमिहार हूँ, अब भूमिहार ब्राह्मण हूँ, मैं परशुराम को मानता हूँ, मेरे आदर्श हूँ परशुराम भगवान, उनका बोर्ड लगा हुआ है मीठापुर गांव के यहाँ, उस मीठापुर गांव के बोर्ड को इन्होंने हटा दिया रात को और उस पर इन्होंने लिखवा दिया कि मीठापुर गांव में आपका स्वागत है और अपने धर्म पत्नी वीरेंद्री अवाना जी का और अपना नाम इन्होंने लिखवा दिया। मतलब भगवान परशुराम का बोर्ड हटा के अपनी धर्म पत्नी का और अपना नाम इन्होंने उस पर लिखवा दिया। ब्राह्मण, समस्त ब्राह्मण समाज छह मीठापुर गांव के हैं, बहुत लोग हैं और उसमें कोई नाम मैं नहीं गिनवा पाऊंगा, बहुत ब्राह्मण समाज पूरे क्षेत्र के लोग, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। अब मैं भूमिहार हूँ, ब्राह्मण हूँ, सबको पता है, हमसे भी उन्होंने इसलिए फ़ोन किया, भाई मैं विधायक जी के कार्यकर्ता हूँ एक छोटा सा, हम तो देखिए हम तो बाहर से आए, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हम कोई नेता नहीं है, ना हमें पार्षद ही लड़ना है, ना हमें कोई नेतागिरी करनी है, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं और हम मेहनत करते हैं क्षेत्र में, ना हमें कोई पद की लालच है। तो कुछ लोग भिदौड़ी साहब को फ़ोन भी किए कि जी महेश अवाना जी ने बड़ा गलत काम किया, तो मैं भिदौड़ी साहब ने हमसे भी पूछा कि आप वहाँ रहते हो, आपका घर है, आपका रास्ता है, मैंने कहा हाँ जी, हम पे भी लोग आए थे, ऑफिस पे भी आपके लोग आए थे, तो बोले क्या है, मैंने कहा जी उखड़वा के उन्होंने फेंकवा दिया, अपना नाम लिखवा दिया उस पर, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं करना चाहिए था उनको, जब पहले से उस पर, जबकि वो मालूम मुझे नहीं पता, उसमें नारायण, श्री नारायण दत्त शर्मा जी ने उस पर लिखवाया था। आप संक्षेप में ये बताएं कि विवाद का जड़ यही है या कहीं और किसी बात को लेकर? विवाद का जड़ यही है साहब, ठाकुर साहब, और मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये कहीं मिलते थे, मेरी दुआ सलाम इनसे होती थी, राम राम होती थी, ये मेरे कंधे पे हाथ भी रखते थे, हालचाल भी पूछते थे, ऐसा नहीं है, इनसे कोई विवाद नहीं। जिस दिन ये परशुराम भगवान का बोर्ड हटाए उस दिन मैंने भी इनसे कहा, मीठापुर चौक पे मिले थे, उसके बाद हम परशुराम बाबा का जो मंदिर है, हम और पारस राय जी, सुभद्रा गौतम जी, हम धुलाई कर रहे थे उसके बाद, तो हमने कहा जी आपने ठीक काम नहीं किया है, तो इन्होंने कहा क्या किया, उस दिन मैंने कहा जी ये कोई बात ठीक नहीं है कि आप अब उसको हटवा के अपना नाम लिखवा दोगे, उस दिन से इनका मामला, हमारा मामला खराब हो गया। तो देखिए मैं आपको ठाकुर साहब बता दूं, चाहे मामला खराब हो, चाहे मेरे पे कितने आरोप लगाएं, खूब आरोप लगाएं, खूब मेरे खिलाफ शिकायतें करें, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं, भगवान परशुराम हमारे आदर्श हैं, अगर भगवान परशुराम का अनादर किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ये कहते हैं कि 1000 किलोमीटर से आके यहाँ पे हम पे राजनीति करें, मैं कहाँ राजनीति करता हूँ, मैं तो एक कार्य करता हूँ जैसे और भी लोग कार्य करता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। मेरा मुकदमा अगर ये गिनवा रहे हैं तो ये अपने परिवार का भी मुकदमा गिनती करें, अपना मुकदमा गिनती करें, जो इनकी बहू ने इन पे मुकदमा लगाया है, जो इनके समधी ने मुकदमा लगाया है, इनकी पजेरो गाड़ी मीठापुर चौक पे दहेज के चक्कर में इनकी मुकदमा दर्ज खड़ी है, इन पे मुकदमा दर्ज है, इनकी बेटी पे मुकदमा दर्ज है, सब पे मुकदमा दर्ज है, भाई भतीजों पे मुकदमा दर्ज है, मैं किसका किसका बताऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके भाइयों को किसी का मैं नाम लूं, मेरे को तो आहत इन्होंने किया, मुझे कहते हैं ये चंगू मंगू।